हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोइस और आप सब देख रहे हैं डिलीशियस मोइस किचन। तो आज हम कुछ मीठा बनाते हैं, इसीलिए हमने सोचा है कि हम बनाएंगे आज सेवियों का मीठा। तो आइए देखते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम लेंगे 200 ग्राम्स सेवी, उसके साथ हमने लिया है 150 ग्राम्स ऑफ खोआ, उसी के साथ हमने ली है 250 टू 300 ग्राम्स ऑफ शुगर, और ड्राई फ्रूट्स हमने बारीक काट लिए हैं। हमने मिल्क मेड लिया है जिसमें से हम सिर्फ आधा यूज़ करेंगे, और देसी घी। इसके साथ हम लेंगे ज़ाफ़रानी रंग, और हमने 3 साबित इलायची ली है और थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ में किशमिश, और हम लेंगे आधा लीटर दूध। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम स्टव ऑन करने से पहले जो हमने हाफ लीटर मिल्क लिया है उसमें हम डालेंगे खोआ। इस खोए को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे दूध में। इसी के साथ हम मिलाएंगे ज़ाफ़रानी रंग 1/4 टीस्पून। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क मेड। 1/2 कप मिल्क मेड हम इसमें डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्स अभी रेडी है। तो अब हम स्टव ऑन करके सेवियों को तल लेंगे। तो सबसे पहले हम स्टव ऑन करके उसमें डालेंगे 4 to 5 टीस्पून ऑफ घी। जैसे ही घी गर्म हो गया है हम इसमें डालेंगे इलायची और आधे ड्राई फ्रूट जो हमने काट लिए थे, इसे हम अच्छे से तलेंगे। अब इसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें सेवी और किशमिश। अब इसे हम अच्छे से तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, हम इसे ऐसे भून रहे हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। उसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है दूध, खोआ, इलायची और मिल्क मेड का, वो हम इसमें मिला देंगे। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी इसमें हम जो मिक्सचर बनाए थे वो डाल देंगे। शुगर, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं तकरीबन 250 ग्राम्स ऑफ शुगर, और सेवी बहुत जल्दी गल जाती है तो इसीलिए आपको इसे ज्यादा देर पकाना नहीं है। बस शक्कर जब पक जाएगी और सेवी थोड़े से गल जाएंगे तो आप इसे निकाल ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर और इसे स्लो पे रखकर हम इसे ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें ऐड किया है 1 कप वाटर। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए ढाप कर छोड़ देंगे, फिर 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये बनके रेडी हो जाएगा, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो हमने इसे स्लो पे रख दिया है, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे स्टव ऑफ करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढाप कर रख देंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम सर्व करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हम उसे दम पे रखने के बाद, इसे निकाल कर सर्व करेंगे। हम इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से और सिल्वर पेपर से। तो लीजिए फ्रेंड्स, बनकर रेडी है सेवियों का मीठा, और इसकी खुशबू लाजवाब है। अगर आप देसी घी यूज़ करेंगे तो और भी बहुत अच्छा बनेगा ये मीठा। तो खुशबू सुनकर ही मैं बोल सकता हूँ कि खाने वाले और बनाने वाले दोनों भी चीखा मारेंगे। तो
Thank you very much and bye-bye until next video. Let me know what you want me to prepare by commenting and subscribing my channel. Thank you very much.